हाँ जी अच्छा जी सारों तो लो जी स्वागत है अज्ते अपने एक नवे ब्लॉग के कल वाला ब्लॉग इतने रेंडर करना लाया होया एडिट कर लिया सी मैं एडिट किया होगा ता ही रेंडर लाया की बोलन दिया मैं भी टाइम इतने 10:30 हो गए ने आ देखो ठीक है 10:30 का टाइम है थोड़ा जहा टाइम ज़्यादा लग गया एडिटिंग करन च एडिटिंग करन च नहीं ज़्यादा लगा असल च थले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो लेट हो गया एडिटिंग च ते उस तो इलावा इधर के हालात वेख लो तुसी रात कुछ पार्ट प्रिंट किए इंदे लोडर फिट करन लई ते उन्दे ते मैं काफ़ी मत्था खपाई की है दिमाग लाया फिर जाके फाइनली इस नतीजे तो पहुँचे आपां कि इंदी एक प्रोपर वीडियो शूट करते हैं क्योंकि ना सारी बॉडी खोलनी पेगी खोल के अंदर वेखागा हजे वेखागा मैं पक्का सोचा नहीं गा कि बॉडी खोलन तो बाद भी फिट हो जूगा बॉडी खोल के देखागा कोई आइडिया आ गया दिमाग च तो फिर काम करना पैना उन्दे ते ठीक है हाँ सीन है तो इन वास्ते मैं कुछ सोचा होया पहला की सीगा सारिया वीडियो ना इस फोन जी मिक्स हो जाएगा जिहड़ा व्लॉग शूट हो रहा वह भी इन जी नाल ही इनकी मेकिंग वाली वीडियो मेकिंग वाली मतलब जिहड़ी वीडियो शूट करनी आप मिस्टर पेंडू ट्रैक्टर मॉडल चैनल वास्ते कि ट्रैक्टर बनाने ने तो वह वीडियो भी इन्हें ही वो सारा मिक्स हो जाता ही काम हूँ मैं प्लैन किया है कि जिहड़ियां मेकिंग वाली वीडियो ने ठीक है जिन्नी भी शूट करनी है जिन्ना को भी शूट करना है भावें दिन च 10 मिनट की शूट करनी भावें 2 घंटे की वो सारिया आप शूट करा अपने कैमरे नाल बैग से अपना कैमरा जिन्होंने पुराने ब्लॉग वेखे ने पुराने जुड़े हुए ने उन्होंने पता ही हो कैमरे बारे इधर कंप्यूटर चलाया होया इन्हें तो एक जरूरी काम करना है उन्हें बारे तुम हमने को दसदा पर उस तो पहला अपना बैटरिया चार्ज ला लीए टू सैल वाली 12 वोल्ट वाली तो सारिया चार्ज करती कल मैं तो टू सैल वाली रहिंदियां ने बैटरिया बैटरिया गई कितने इन्हें तो 2-3 बैटरिया ही ने बैटरिया मैं लगता सारिया ट्रैक्टर के बीच ने प्लैन मेरा इदा है कि हो सकता है अज शाम तो टाइम नहीं लगना तो हो सकता कल सवेरे सवेरे आप वीडियो शूट करिए अपने कोई भी 3 ट्रैक्टर चलावे कोई भी का दे मैं दस ही देना तुम्हें स्वराज न्यू हॉलैंड जॉन डीयर ठीक है इन तिना च कॉम्पीटिशन करवाना कॉम्पीटिशन की है वह मौके पर ही सोचा तो इन्होंने ना बैटरिया चाहिए अपन तो सारिया बैटरिया चार्ज कर दें आप तो मैंने लगता सारे ट्रैक्टर च एक एक 2-2 बैटरियां पे इन भी कड़ लें चलो जिन्हें जिन्हें भी बैटरिया आई सारे ट्रैक्टर बैटरियां कट के इतने रखदा मैं लो भी मुंडे चेक करो तो बैटरिया का कलैक्शन अपना अपने ट्रैक्टर च इन बैटरियां पैदियां ने जो सारे ट्रैक्टर च 2-2 बैटरियां रखी है नहीं सारे क्यों इन्हों कई ट्रैक्टर से जिन्हें एक एक बैटरी से जिमें अर्जन तो न्यू हॉलैंड इन भी एक ही बैटरी सी स्वराज भी एक ही सच वे लो भी मौके पर आने बैटरिया 3, 6, 9, 11, 12 बैटरिया आ रही उस तो अलावा 2-3 बैटरिया डब्बे भी है ने चलो ये तो एक साइड रखते हैं पहले इन्हों चार्ज लाने जड़िया इन्होंने बिल्कुल नवी बैटरिया ना जिन्हें BB लिखा हुआ है ये बिल्कुल फ्रैश न्यू ने सबनों पहला ये बैटरिया चार्ज करा आप फिर हौली हौली आ सारिया ये पूरी रात लग जू इन बैटरिया चार्ज होने जो पूरी डाउन हुई ठीक है आ चार्जर आप यूज़ करना तो वोल्टेज 12 वोल्ट से सैट किया मौके पर वोल्टेज डाउन करिए थोड़ी जी नहीं 2 साल बैटरी वास्ते जिनी वोल्टेज चाहिए ना उन्नी करते हैं आप हाँ 8.5 ठीक है लो भी मुंडो 8.5 तो करते हैं चार्ज इन्हों चार्जिंग वास्ते इनका अडैप्टर लगेगा नाल सिस्टम भी बहुत तगड़ा लम्मा चौड़ा काम है लो भी बैटरी वैसे तो चार्ज ही है काफ़ी क्योंकि जो डाउन होंगी ना इतने 0.500 या 0.700 विखाना सी हूँ 0.120 विखा दिया एम्पेयर यानी कि बैटरी ठीक है 70% चार्ज है बैटरी बाकी चलो 100 हो जूगी उस तो बाद ही लावे इन एक बैटरी होर ला दें चलो 2 कट्ठिया चार्ज ला दें 3 चार्ज लगी हुई है 4 मिला दें आ देखियो हूँ मैं बैटरी लाऊंगा ना एम्पेयर बढ़ जाएंगे जो बैटरी डाउन हुई तो ठीक है तो जो बैटरी फुल हो फिर एम्पेयर होर घट जाएंगे देखो अंपेयर वध गए 400 हो गए ना पहले 120 यानी कि भी बैटरी डाउन है हूँ दोवों पावर जान दी है ठीक है दो ही चार्ज लाने एक बारी च सारिया नहीं लाते ठीक है मुंडियो तो उस दे नाल चलो आ तो इतने खलारा पिया रहा है क्योंकि इतने होर कोई काम तो आप करना नहीं है अज बैटरिया चार्ज करनी है ताकि सवेरे आप वीडियो शूट कर सकी तो उस दे नाल इधर करते हैं गल आप कि आ की जुगाड़ है जुगाड़ तो वैसे पता ही है तुम्हें वेट अपने ट्रैक्टर का तो आ मैं 2 साइज़ ना इनकी फाइल बनाई है आ देखो आ साइज़ थोड़ा वड्डा है आ साइज़ थोड़ा छोटा तो इन्होंने दोवों साइज़ों की ना मैं एक फाइल बना के सेव कर ली है
ठीक है। तो आप लैके जावे एलनाबाद, एलनाबाद तो आप कटिंग करवा के लियानी इन्हों की, ठीक है। जिमें मैटल की शीट है इस साइज़ की हुई सेम आ 4 mm की शीट है, तो इन्हें नाल की शीट लैके नवी, तो उस तो बाद फिर प्लाजमा कटर हों ना जरा उन कटिंग कराने, क्योंकि आ जो वेट है ना जिन मैं घर बना वा, हालांकि पहला मैं बनाए ने मेरे हिसाब न 8-9 पीस बनाए हुए ने, इन बना टाइम बहुत लगता, तो ग्रैंडर भी बहुत लगता, मैं लगता 4-5 ब्लेड मैं हूँ तक कसाते हो गए इन्हों बना, तो मैं सोचता सगा कि आप कटिंग करवा लिया हाँ कम ईजी होजूगा, नाले सारे वेटा का जोड़ा है ना साइज़ बिल्कुल बराबर होगा, एक तो यह काम करवाना है, दूजा अपने 9-11 का समान 90% चांस ने कि सारा तैयार हो गया होगा, ठीक है। शाफ्टा वगैरह सारिया तो वह भी लैके आना, उस तो अलावा सच कटिंग भी करवाने वाला हजे रहा एक पार्ट, वो इतें ही है मेरे को, पार्ट भी लैके जाऊँगा मैं, उनकी भी कटिंग करवा के लिया है, यानी कम निके निके है काफ़ी, तो आ प्लैन ने कुछ मेन आए बस आ काम हो जाए फिर सिरा लग जूगा, फिर आने वाले टाइम चा सारे बंपर आप इदा डिजाइन करा, तो आ ट्रैक्टर भी अगे वेट की बहुत जरूरत है कबोटा भी, ठीक है। बिना वेट तो 4x4 का फायदा नहीं, तो आने वाले टाइम च जिमें टोजन वगैरह कराने या ट्रालिया भी ट्रैक्टर चलने ने फ्रंट के वेट चाहिए ही चाहिए, इस करके मैं ये प्लैन किया, ठीक है। फाइल मैं इसकी सेव कर ली है, फाइल बना के तो मैमरी कार्ड से सेव कर ली है, मैमरी कार्ड ना लै चलेंगे, मेरे हिसाब ना फॉरमैट सेम ही होंगे लेजर कटिंग मशीन का, जोड़े फॉरमैट से मैं सेव किया, पता नहीं SVG के इदा का कोई फॉरमैट होंगे फाइल का, बाकी चलो पता लग जूगा अगर पूछावे सारा कुछ, ठीक है। लो भी 2 बैटरियां चार्ज हो गई सी, 2 नैक्सट जड़ियाँ चार्जिंग लातियां ने, वैसे भी चार्ज होने वाली हैं, तो अपनी तैयारी है एलनाबाद की, ठीक है। मैमरी कार्ड आ रहा फाइल इन बेच है, तो जाके लाने आप जगाड़, ठीक है। बस हम इतों करते हैं प्रस्थान, जान तो पहला ना मैं 4 बैटरियां कट्ठिया चार्ज ला जाना, आ जड़ियाँ आ 4 ही ना कट्ठिया चार्ज ला दूंगा, इन्हें आंद तक चार्ज हो जाने। लो भी मुंडे मौके तो हालात कुछ इदा है कि दसन वाले है नहीं, अद्धा घंटा हो गया गड्डी मत्था मार दें, सलफ मारिया गड्डी पहले च स्टार्ट हो गई नाल दी नाल ही बंद हो गई, उस बाद स्टार्ट नहीं हुई, तो फ्यूल नहीं आ रहा इन विच, पैप पट के वेख ली मैं मोटर नहीं चलती पी फ्यूल वाली, तो रेले पट के वेख ली है विदाउट रेले मोटर चलन दी पर प्रोपर नहीं चलन दी, जिमें थोड़ा थोड़ा फ्यूल ऑन होंगे विदाउट रेले डायरैक्ट चला के, तो मैं लगता पाया या तो रेले च इशू है तो या फिर मोटर च कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। अद्धा घंटा हो गया मत्था मार दें, इतों केबल वगैरह भी सारे पट के वेली कनैक्शन चैक कर ले मैं, इतने सही करंट ऑन दिया 12 वोल्ट मोटर च भी जान दिया, तो मोटर भी थोड़ा थोड़ा फ्यूल चक्कन दी है, मैं ये लगन दिया भी रेले च प्रॉब्लम है, इस करके जिम्मे मोटर प्रोपर फ्यूल चक्कन नहीं दी, विदाउट रेले मोटर चलती नहीं होंगी क्योंकि प्रोटेक्शन वास्ते होंगी रेले। अर्चन फोन किया लैके आन दिया गड्डी नाले नवी रेले, जे तो रेले पाया स्टार्ट हो गई तो सौना वधिया, नहीं तो फिर टो करके पहला बार लैके जावे, ठीक है। इनू स्टार्ट करना जरूरी है, इनू नहीं खराब करे खिलार सकते, तो बस इन तो लगा हुआ नहीं तो हूँ पहला वा पहुँच जाना है, मैं अद्धा घंटा कि घंटा ही हो गया होगा आराम नाल। 4 बैटरियां लाइया से सोचा सगा आंदियां फुल चार्ज हो जाए, फिर मैं लगता जाने तो पहले ही फुल चार्ज हो जाए, 160 हो गया इतने, तो उस तो इलावा आ बैटरियां मैं कढ लिया ने खराब ने 3 ही बैटरियां, कई दिन का सोचा दिया हर बार भुल जाना हल जाए, कनैक्टर अड कर लेने तो 3 बैटरियां गड्डी रख लेने, गड्डी टो करके खड़नी पैनी है। अर्शन फोन करता मैं क्या आ जा इन लैके चलीए, लो भी मुड़े हो अर्श आ गया सी तो टो करील जाने जाके देखते हैं की समस्या आई है, गड्डी दी ब्रेक भी नहीं कम कर दी क्योंकि बंद होने तो बाद ना ब्रेक बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, हैंड ब्रेक चलन दी हज होंगे हैंड ब्रेक तो चलन दिया कम, बस इतने रोकनी होती हैंड ब्रेक ही खिंचना, कुछ अगर ड्राइवर भी हैवी ने, हैवी ड्राइवर के काम वेख लो, राज रस्सी टुट गई है मैं इतने छड़ गया आप गड्डी लगे वो जाते वेख ही नहीं दे पिछे, मैं फोन कर दिया फोन भी नहीं चक्कन दिया, पता ही नहीं भी पिछे दूजी गड्डी हैगी है, रस्सी टुट गई सी असल च इना उतों तो सही लै आई, इतों रेड़ दी सी ड्राइवर हैवी सी उन्हें वेख्या नहीं झटका मारता 2-3 बारी पा के वेखी बट टुकड़े हो गए अड्डो अड्ड, हूँ तार लैन गए ने लोहे की तार लैके आंदे फिर अगे बाजार भी लैके जाना मैं रिस्क क्यों लैना, तुम जगाड़ लो हैवी थोड़ा जा आप चेर इंस्टाग्राम चलाने। लो भी मुंडे गड्डी हो गई ठीक तो आप तुर पे बाजार वालों काम सारे रेंदे ने अजे करे, तो गड्डी काफ़ी टाइम लग गया,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਸਟ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਬੰਦ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਸੀਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ 9 ਵੱਜਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਵੱਜਣ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਚ ਜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਆਈਏ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਲਈਏ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਘਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਕੱਲੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜੂੰਗਾ ਯਾਨੀ 9:20 ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 25 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲਟੋ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 9:11 ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਮੋਟਰ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਾ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੋਟਾ ਦੀ ਲਿਫਟ ਠੀਕ ਆ ਆ ਲਿਫਟ ਵਾਲੀ ਚੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਚੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਔਡਰ ਕਰਤੀ ਆ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3×9 9 ਫੁੱਟ ਹੈ ਚੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਕਬੋਟਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਜਾ ਪੇਂਟ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪੇਂਟ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਲਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੀਸ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਤਾਂ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ 40 ਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜੂ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਬੋਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਵੇਟ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵੇਟ ਟੰਕ ਹੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ